हेलो ट्रेडर्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गेल का एलिवेट वेव सेटअप है उसको डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये सेटअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ये जो लेबलिंग हमने की है ये गेल के चार्ट में, उसमें जो फिबोनाची रिलेशनशिप है, इट्स एन एक्सलेंट फिबोनाची रिलेशनशिप, क्योंकि जो एलिवेट वेव की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काफ़ी मिलती है। फिर कल मैंने आपके साथ एक टॉरेंट पावर का जो ट्रेड सेटअप एक वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, उस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा। देन मोतीलाल ओसवाल का भी मैंने जो आपके साथ जो आज एक टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड शेयर किया था 690 के अराउंड, फिर उसमें 735 तक जो मूव आया था, तो दैट वॉज ऑल्सो सी वेव ट्रेड। तो वो ट्रेड मैंने कैसे लिया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे क्या है कि आपको आपके ट्रेडिंग में थोड़ी हेल्प मिले। फिर एक गोल्ड पर मेरा व्यू शेयर करूँगा, और निकल का मैंने आपके साथ एक ट्रेड रिसेंटली शेयर किया था, दैट वी विल डिस्कस कि वो ट्रेड में मेरा माइंडसेट क्या था, व्हाट आई वाज थिंकिंग। एंड अभी रिसेंटली हमने जो वीडियो था उसमें बीएससी का ट्रेड भी हमने डिस्कस किया था एज पर एलिवेट वेव, और उसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है और आगे क्या लग रहा है उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा। एंड लास्ट में क्या है कि गेल को हमने पर्टिकुलरली इसलिए सिलेक्ट किया है कि पूरा एनर्जी सेक्टर है, उसमें क्या है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, और अगर कुछ न्यूज़ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज कुछ स्टॉक्स है जो मेरे स्कैन्स में रोज आते हैं, हिंद पेट्रो है, बीपीसीएल है, देन आईजीएल, ये सब जो एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो जो मैं डेली स्कैन यूज़ करता हूँ उसमें डेली दिस स्टॉक्स आर रेगुलरली पॉपिंग अप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर है उसमें ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, और वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कुछ है और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए तो गेल में क्या है कि एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक पूरा ट्रेड सेटअप है, एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसके हिसाब से ट्रेड करना है। दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग, दिस इज माई एनालिसिस, वॉट आई एम थिंकिंग। आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, इट्स योर चॉइस। सो दिस इज द लेबलिंग। और जैसे मैंने बताया कि ये जो लेबलिंग है दिस इज़ परफेक्टली एज पर द गाइडलाइन, ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज गाइडलाइन क्या कहती है एलिवेट वेव की, कि वेव टू का जो रिट्रेसमेंट होता है वो 0.618 के आसपास आता है, और आप देखिए कि यहाँ पर वेव टू का जो रिट्रेसमेंट है दिस इज एग्जैक्टली अराउंड 0.618 एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल। वेव थ्री का जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वो 1.618 के आसपास आता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1.618 या 1.75 के आसपास ये वेव जाता है। और आप देखें कि यहाँ पे आई रेगुलरली यूज़ 1.75 आल्सो, सो 1.75 के आसपास जाके ही ये मूव टर्मिनेट हुआ है, जो थर्ड वेव हमने लेबल किया है वो। और फोर्थ वेव जनरली क्या होता है, इट्स अ सैलो करेक्शन, तो उसमें जो रिट्रेसमेंट होता है वो जो होता है वो 0.382 के आसपास होना चाहिए जनरली, 0.5-0.618 तक भी वो जा सकता है, बट आइडियली एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव मटेरलाइज हो उसकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है कि जब वेव फोर में सैलो रिट्रेसमेंट हो। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी लास्ट जो है बैंक निफ्टी का एलिवेट वेव एनालिसिस हमने देखा था। तो और आप देखिए कि यहाँ पर जो फोर्थ वेव है उसका जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 0.382। तो ये जो पूरा जो फिबोनाची रिलेशनशिप है ये ट्रेड सेटअप में, दिस इज परफेक्टली एज पर द गाइडलाइन। तो ऐसे ट्रेड सेटअप में फिर क्या है कि फिफ्थ वेव मेटलाइज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, कि फिफ्थ वेव में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। सो हम यहाँ से मेजर करते हैं 0 to 3 -4, सो वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम हमारा जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 163। और अगर ये वेव एक्सटेंड हुआ, जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा लग रहा है, और कुछ न्यूज़ हुई या सेक्टरल टेलविंड फिर मिल जाएगी, तो फिर क्या है कि इट मे एड फ्यूल टू द फायर। तो फिर क्या है कि ये वेव एक्सटेंड हो सकता है 173-185 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि वेव जब एक्सटेंड होता है तो कोई नहीं कह सकता, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो फोर्थ वेव मैंने लेबल किया है उसमें भी क्या है कि जो वेव ए है वो काफ़ी शार्प है, वेव बी का ये बाउंस है, और वेव सी जो है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरे साथ वॉकआउट में हुआ था, दैट आई विल डिस्कस, कि यहाँ पर फिर लगता है कि ए बी सी करके करेक्शन ख़त्म हो गया हो ऐसा लगता है, फिर क्या है कि हम बी वेव में
मतलब ट्रेड ले लेते हैं और फिर सी वेव आ जाता है नीचे की तरफ, बट ये प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ तक आ गया है, 0.382 के आसपास आ गया है। एंड ये जो मैंने लेबल किया हुआ है करेक्टिव स्ट्रक्चर, दैट लुक्स लाइक ए रनिंग फ्लैट। 163 इज़ आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, और अगर ये फिफ्थ वेव अच्छे से मटरलाइज हुआ, इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स। 0 to 3 -4 हम कर दें यहाँ पर, सो 163, 173, 184 ब्रॉडली हम कहें तो 180 के आसपास एक मतलब टारगेट इसका बन सकता है। और हमारी ये एनालिसिस कब गलत हो जाएगी, जब ये वेव फोर का जो लो है दैट इज़ अराउंड 127.45, अगर 127.45 के नीचे ये चला गया तो ये जो पूरी एनालिसिस है वो गलत साबित हो जाएगी। सो विद दिस स्टॉप लॉस वी कैन प्लान ए ट्रेड हियर। अब मैंने कल आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया था, दैट वाज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आप देखिए कि ये जो मूव है दिस वाज साइडवेज मूव, तो मैंने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की है, वो मैंने पूरा एक ब्लॉग भी लिखा है कि कहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट स्विंग लो या तो एक मीनिंगफुल स्विंग लो। तो यहाँ पर एक मीनिंगफुल स्विंग लो है क्योंकि दिस इज़ अ डबल बॉटम, और यहाँ से ये जो मूव लग रहा है दिस इज़ नॉट अ करेक्टिव मूव, दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव। ये पूरा एक क्लियर कट इम्पल्स मूव ही लग रहा है। और आप देखिए कि ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, और यहाँ पर भी इट इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड तब बोलते हैं कि 1.618 के ऊपर चला जाता है, तो 200% के ऊपर है। और वेव फोर का यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट ले, सो दैट इज ऑल्सो अराउंड 0.382। सो वॉट आई एम थिंकिंग कि टोरेंट पावर में अभी भी एक रैली बाकी है इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ वेव, और उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिफ्थ वेव में टारगेट, वी कैन एक्सपेक्ट 460-480 के आसपास मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ अराउंड 445। सो ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये मेरी एनालिसिस सही है तो यहाँ पर भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वेव फोर का जो लो है दैट इज़ अराउंड 375। तो आप 375 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पर, और इस तरह से ये ट्रेड को आप प्लान कर सकते हो। अभी गोल्ड में भी एक देखिए कि मुझे ये जो मूव आ रहा है, और यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है 1, 2, 3 करके मतलब, और ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, और अभी भी इसमें फिफ्थ वेव बाकी हो। अगर दिस कुड बी ए, दिस कुड बी बी और दिस कुड बी सी, बट ये सी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब 100% से ज़्यादा का एक्सटेंशन हो गया, तो दिस पैटर्न मे टर्न इनटू इम्पल्सिव, ऐसा मेरा मानना है। अब उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट व्हाट आई एम थिंकिंग मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि यहाँ पर ये जो लेवल है दिस इज़ अराउंड 1798। अभी गोल्ड कितने 1795 के आसपास चल रहा है, 1798 के आसपास का जो लेवल है अगर उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर गया, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 0 to 3 -4 हम करेंगे, तो मेरा मानना है कि 1820-1830 तक गोल्ड में एक रैली शॉर्ट टर्म में आ सकती है यहाँ पर। और ये जो फोर्थ वेव है उसने यहाँ वेव वन में ओवरलैप नहीं किया, दिस इज परफेक्टली एज पर द रूल, राइट। सो ये इस तरह से मैंने लेबल किया है, सो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या तो ये 1, 2, 3, 4, 5 करके भी आप उसको लेबल कर सकते हो। सो इन शॉर्ट गोल्ड में अगर 1798 के ऊपर ये जो हाई है दिस इज अराउंड 1797.63 के ऊपर हम कहें तो विद दिस स्टॉप लॉस, और मेरा व्यू बुलिश है जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है, दैट इज़ अराउंड 1755 के आसपास का जो लो है, 1755 या 1756 के आसपास का जो लो है वो अगर प्रोटेक्टेड है तब तक व्यू बुलिश है। 1830 तक की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ से लग रही है। फिर मैंने आपके साथ एक निकल का ट्रेड शेयर किया था, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखिए कि निकल में व्हाट आई वाज थिंकिंग, ऐसे ही मैंने लेवल किया था 1, 2 और
यहाँ पर थ्री, या तो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी वेव की रैली हो सकती है। एंड माई मिनिमम एक्सपेक्टेशन वॉज अराउंड 1330 के आसपास ये जाना चाहिए। एक फिबोनाची क्लस्टर मैंने इस्टेब्लिश किया था यहाँ पर। फिबोनाची क्लस्टर मतलब कि अगर ये पूरा इम्पल्स है तो ये करेक्शन में बाउंस आ सकता है। तो कहाँ तक बाउंस आ सकता है कि 0.618 तक यहाँ पर बाउंस आ सकता है। तो 0.618 का जो लेवल था दैट वॉज अराउंड 1337 के आसपास। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं उसको थोड़ा सिर्फ साइड में करता हूँ, आपको दिखेगा। दिस इज़ अराउंड 1337 या 1338 के आसपास का लेवल था, और 100% एक्सटेंशन वॉज अराउंड 1327। सो वॉट आई वॉज थिंकिंग 1330 के आसपास ये मूव आ सकता है। बट अब ये क्या है कि मुझे लग रहा है ये थोड़ा इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, दिस इज़ नॉट ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। जब निकल 1307 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब, और उसमें एक अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो ये एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बनने जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर मैंने आपके साथ अभी जो रिसेंटली वीडियो था उसमें BSE का ट्रेड डिस्कस किया था। तो आप देखिए कि BSE में हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पर वेव फोर टर्मिनेट हो गया है, 590 के आसपास हमारी बात हुई थी, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था दैट वॉज अराउंड 680 के आसपास हमारा टारगेट था। वो पहला टारगेट उसने अचीव कर लिया है। बट अब क्या है कि वेव जब एक्सटेंड होता है, क्योंकि आज अच्छे वॉल्यूम से ये बढ़ा है, अगर ये मूव एक्सटेंड हुआ तो हमें 770 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। सो अब आप क्या कर सकते हो कि 2/3 जितनी आपकी पोजीशन है उसको यहाँ पे थोड़ा बुक कर सकते हो, आपकी जो कॉस्ट है उसका स्टॉप लॉस लगा लो, और बाकी की पोजीशन को आप थोड़ा ट्रेल करने का ट्राई करो। बिकॉज जब वेव्स एक्सटेंड होते हैं तो कहाँ तक जाते हैं वो कोई नहीं कह सकता। फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी में आप देखिए कि क्या हुआ था कि आवर एक्सपेक्टेशन वॉज अराउंड 3500 लेवल। दिस वॉज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि 0.382 के आसपास ये मूव टर्मिनेट हो सकता है, दिस वॉज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। बट क्या हुआ कि अब ये मूव एक्सटेंड हो गया, और मैंने आपको बताया भी था कि दिस इज़ अ गोल्डन रिलेशनशिप था यहाँ पर, कि वेव बी का जो रिट्रेसमेंट था 0.618, वेव सी का एक्सटेंशन था दैट वॉज 1.618। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था। और टाटा एलेक्सी में क्या हुआ कि ये ऑलमोस्ट 50% का मूव दिया है उसने, 2700 के आसपास हमने कवर किया था और ये 4000 तक गया है। तो सिमिलरली अब जब वेव एक्सटेंड होते हैं तो नो वन कैन से। और फिर गेल में भी जैसे मैंने आपको बताया कि वॉक फार्मा में क्या हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको मेरा पॉइंट पता चलेगा। वॉकआउट भी मैंने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था काफ़ी टाइम पहले, एंड दिस वाज माय लेबलिंग और व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर वेव फोर का जो करेक्शन है वो टर्मिनेट हो गया है। बट उसके बाद क्या हुआ कि ए बी सी ये वेव ए था, फिर ये बी बनाया और उसमें हमने ट्रेड लिए था, और फिर क्या था कि ये सी वेव में करेक्शन नीचे की तरफ आया। तो गेल में ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन था दैट वाज कहाँ था 0.236 के आसपास था। बट हमने गेल में देखा है कि ये जो करेक्शन है वो कहाँ तक आ गया है, 0.382 तक यहाँ पर आ गया है वो। इसको मैं रिमूव करता हूँ, 50 का टारगेट है तो आपको पता चलेगा कि ये जो करेक्शन था रिट्रेसमेंट वेव फोर का वो 0.382 तक आ गया है। तो वो पॉसिबिलिटी जैसे वॉकआउट में हुआ था वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही, और ये एंडिंग डायगनल मुझे लग रहा है, और ये रनिंग फ्लैट करेक्शन हो ऐसा मेरा मानना है। फिर मैंने आपके साथ जो अभी मोतीलाल ओसवाल का भी जो ट्रेड शेयर किया था दैट वाज सी वेव का ट्रेड था, और मेरा थॉट प्रोसेस क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि एक साइडवेज मूव चल रहा था एंड दिस वाज अ क्लियर कट करेक्टिव मूव यहाँ पर। सो मेरा मानना क्या था ये कि दिस कुड बी वेव ए, दिस कुड बी वेव बी, और यहाँ पर हम सी वेव के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ए बी सी करके ये बी बनाया हो ऐसा मेरा मानना था, और सी वेव के लिए जा सकते हैं। और मैंने 735 का टारगेट दिया था, 730 या 735 के आसपास का ये मूव आ सकता है, शॉर्ट टर्म में मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बट आज इंट्राडे में ही वो मूव आ गया, और
100% एक्सटेंशन आता है नॉर्मली, तो आप देखिए कि एग्जैक्टली वो 100% के आसपास जाके ही फिर उसमें मतलब रिट्रेसमेंट आया है। सो हमने गेल को डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ टोरेंट पावर का भी ट्रेड सेटअप डिस्कस किया है, तो आप देखो उसमें फॉलो अप मूव कैसे आते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप उसमें पोजिशन मतलब बाई या सेल करो। अब मैं जैसे मैंने बताया कि एनर्जी सेक्टर जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जो कुछ स्टॉक्स है जैसे BPCL है, आप देखिए कि BPCL का भी स्ट्रक्चर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, इन अ सेंस कि 20 और 50 एमए के आसपास ऊपर वो ट्रेड कर रहा है और 200 एसएमए के आसपास सपोर्ट लेके वापस मतलब 20 और 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देन हिंद पेट्रो भी जो है, दिस स्टॉक्स आर रेगुलरली पॉपिंग अप इन माई स्कैन, 20 और 50 एमए के ऊपर है, 200 एसएमए के ऊपर है। देन हम IOC को देखें, IOC भी देखे कि यहाँ पर 200 SMA के आसपास फ्लर्टिंग करके अब क्या है कि 20 और 50 SMA के ऊपर धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। फिर IGL को देखे हम, तो वो भी 20 और 50 SMA के ऊपर चला गया है। देन MGL को देख लेते हैं, यहाँ पर उसमें देखे कि ये 20 और 50 का पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, दिस इज अ गुड सिग्नल। और गुजरात गैस को भी देखते हैं, दिस स्टॉक्स आर रेगुलरली पॉपिंग अप इन माई मतलब जो स्कैन है उसमें ये स्टॉक मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखिए कि ये साइडवेज मूव है, यहाँ पर अगर कुछ न्यूज़ है या तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है तो ये गुजरात गैस भी मतलब एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक लग रहा है, ये ट्रायंगल जैसी पैटर्न लग रही है। मैंने ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं किया अभी मैंने देखा, बट प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये ट्रायंगल है। सो एनर्जी सेक्टर में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ तो गेल में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस वॉज द माई एनालिसिस फ्रेंड्स, एंड आई होप कि ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।